विवादित पान मसाला ऐड के लिए अक्षय कुमार पहली पसंद नहीं थे। ये ऐड पहले कार्तिक आर्यन को ऑफर हुआ था, पर किसी कारण से चलते कार्तिक ने ऐड और मिलने वाली 15 करोड़ की फीस ठुकरा दी थी। नमस्कार, मैं हूं सिंहारा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। अक्षय कुमार के पान मसाला का ऐड करने पर पिछले दिनों काफी बवाल हुआ था। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार से फैंस खासे नाराज हुए थे कि वो ऐसी चीज का ऐड कैसे कर सकते हैं जिसे खाने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है। अब एक रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि अक्षय से पहले ये ऐड आज के एक सुपरस्टार एक्टर को ऑफर किया गया था, पर उसने इससे ठुकरा दिया था। पिछले दिनों अजय देवगन और शाहरुख खान और अक्षय कुमार के पान मसाला ऐड ने देश में भूचाल मिला दिया था। विवाद बढ़ता देख अक्षय कुमार ने तो ऐड से खुद को पीछे खींच लिया और पान मसाला कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर लिया था, पर शाहरुख और अजय देवगन अभी भी इसी विज्ञापन का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐड फिल्म के मेकर्स के लिए अक्षय कुमार पहली पसंद नहीं थे। उन्होंने शाहरुख और अजय देवगन से तो बात कर ही ली थी, लेकिन वो तीसरे स्टार के लिए कार्तिक आर्यन को लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक्टर को 15 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, पर कार्तिक आर्यन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें अक्षय कुमार को लेना पड़ा। एक प्रमुख एड गुरु जिन्होंने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि कार्तिक एंडोर्समेंट के मामले में बाकी सभी से आगे निकल चुके हैं। इंडस्ट्री के दूसरे नाम जैसे रणवीर, दीपिका, करीना और कैटरीना को अपने स्टार पति पत्नी के साथ जोड़े जाने का फायदा है। कार्तिक ने इसे अपने दम पर किया है। बता दें कि भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद से ही कार्तिक आर्यन इस साल के बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से परिचित है। इससे पहले भी कार्तिक ने 9 करोड़ रुपए के पान मसाला ऐड को एंडोर्स करने से मना कर दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।